दोस्तों तो चलिए दोस्तों आपको एक चीज और बताता हूं मैं इसके अंदर, जो कि बहुत से लोग कैमरा तो ले लेते हैं लेकिन उसको हैंडल करना उनको नहीं आता है। तो मैं आपको दिखाता हूं इसमें कि क्या क्या सेटिंग करनी पड़ती है इसको चलाने के लिए और क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ता है। तो इसके अंदर हमारे को सेटिंग ये करनी है दोस्तों कि मतलब जो कि ये कैमरा है, स्क्रीन टच है, आप देख सकते हैं इसमें। तो मैंने ये कैमरा ऑन कर लिया है और आपको इसको माइक को अटैच करने के लिए इसमें ये जो कि माइक है एडेप्टर इसमें कनेक्ट कर लेना है इसकी सहायता से। तो इसमें एक सेटिंग और है जो कि आप शायद किसी ने आपको नहीं बताया होगा, तो मैं बताने वाला हूँ आपको ये सेटिंग। तो ये सेटिंग होती है दोस्तों गोप्रो के अंदर, जो कि आपको यहाँ पे टच करना है, जो कि जो रेजुलेशन का ये होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे टच करने पर ऐसा ये इंटरलॉक फेस खुलता है। तो आप देख सकते हैं ये फेस खुल चुका है। यहाँ पे जाके अब अपने बोया माइक है आपके पास में तो उसमें बहुत ज़्यादा नॉइस आती है, तो आप ऐसे माइक्स पे क्लिक करके विंड पे सेटिंग कर लेना है। आपको ये विंड पे सेटिंग करनी है, यहाँ पे ऑटो पे नहीं रखनी है आपको, और आपको विंड पे ये सेटिंग रखनी है। तो कि मैं भी विंड पे सेटिंग करके आपको दिखाने वाला हूँ। और पहले मैंने ये सेटिंग का पता नहीं था तो मैंने बहुत सर्च मार के इस पे यहाँ पे सेटिंग का पता किया है। तो आपको विंड पे ये सेटिंग रखनी है। तो चलते हैं इसको टेस्टिंग करने के लिए। तो ये बातों का ध्यान रखना आपको और करते हैं आगे वाला वीडियो स्टार्ट। दिखाते हैं मैं जो कि अपनी गाड़ी आर बुलेट है, तो कि उस पर राइड करके कैसी उसको क्वालिटी आती है, कैसी विंड नॉइस आती है। और पहले से मैं बहुत ऐसा परेशान था कि इसमें बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है और कैसे इसमें कैसे वीडियो को लोग पसंद करेंगे कैसे नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, दिखाते हैं आपको। तो चलते हैं बाइक पे, ठीक है दोस्तों।